हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनली आईएएस। डेट है आज की 22 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा काकाती देवी टेंपल से रिलेटेड है। इस टेंपल का निर्माण 13th सेंचुरी में काकतिया डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था। काकतिया डायनेस्टी में एक राजा थे जिनका नाम था गणपति देव, उन्होंने ही इस काकाती देवी टेम्पल का निर्माण किया था। इन्होंने जब इस मंदिर को बनाया था उस टाइम पर कुछ यूनिक फीचर थे, जैसे कि आंध्रा के कोस्टल रीजन में काकाती देवी की पूजा करने वाला ये पहला मंदिर बना, और साथ ही साथ जो उस टाइम पर इनका डोमिनियन था, इस किंगडम का जितना फैलाव था उसके बाहर ये टेंपल का निर्माण किया गया था। ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में इसलिए है क्योंकि इस टेंपल को अब वहाँ की एक लोकल गॉडेस हैं जिनका नाम है बालू सुलम्मा, इन गॉडेस के एबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। एबोर्ड मतलब होता है घर, इनके घर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो गॉडेस बालू सुलम्मा है वो गॉडेस दुर्गा की ही एक अवतार है। टेंपल के लोकेशन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में अमरावती कैपिटल के पास में एक जगह है, धरानीकोटा, वहाँ पर लोकेटेड है। इस आइडल में अपने आप में कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि इनका सिटिंग पोस्चर आप देखिए, ये पद्मनासनम सिटिंग पोस्चर है। साथ ही साथ इनकी 8 भुजाएँ हैं, 8 हैंड्स हैं। ऐसा आइडल उस टाइम पर काकतिया डायनेस्टी के द्वारा और किसी भी मंदिरों में ऐसा श्राइन या फिर ऐसा आइडल वहाँ पर नहीं रखा जाता था। बात करें काकतिया डायनेस्टी की तो ये 12वीं शताब्दी में ये लोग फ्लरिश करते थे। ये आंध्रा डायनेस्टी थे उस टाइम के। ये लोग वारंगल जगह से रूल करते थे, मतलब इनका सेंटर पोजिशन जो था पूरे काकतिया डायनेस्टी का वो वारंगल था। अप्रॉक्सीमेटली ये 1083 से लेके 1323 CE तक इन्होंने रूल किया था। इन्हीं के टाइम पीरियड पर जब काकतिया डायनेस्टी के अंदर रुद्रमा देवी का टेन्योर चल रहा था तो इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो यहाँ पर विजिट करते हैं और उन्होंने भी इस डायनेस्टी के बारे में अपने लेख में जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात ये थी कि इन्होंने इस रीजन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इन्होंने टैंक्स का निर्माण किया था, तो टैंक्स बनाने का इनका एक यूनिक फीचर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने हंड्रेड्स की तादाद में हिंदू टेम्पल बनाए थे जिसमें से गणपति देव, रुद्रमा देवी और प्रतापरुद्र, ये लोग काकतिया डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था। यहाँ पर कुछ फेमस मंदिरों के नाम दिए गए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है 1000 पिलर टेम्पल्स, जिनको हम लोग रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। तेलंगाना में ये मंदिर सिचुएटेड है। ये एक स्टार शेप में है, ट्रिपल श्राइन है इसका, और जिसको हम लोग त्रिकुतलायम बोलते हैं। वहाँ पर ये विष्णु, शिवा और सूर्य, इन तीनों के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। दूसरा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, रमप्पा टेम्पल, ये तेलंगाना वारंगल में है। इसके बाद हैदराबाद का गोलकोंडा फोर्ट फेमस है ही है, इसको भी काकतिया रूलर्स के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। बाद में इसको कुतुब शाही किंग्स का कैपिटल बनाया गया था 1518 से लेकर 1687 CE तक। अगला आर्टिकल हमारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड है। ये कमेटी अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट के अंदर बैठी और इन्होंने डिस्कस किया कि जो अभी हाल फिलहाल में मॉनसून सेशन चल रहा है उसके लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में, या फिर वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये लोकसभा के अंदर में जब नया लोकसभा बनता है, मतलब कि जनरल इलेक्शन के बाद, उस टाइम पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा के अंदर में बनती है और टाइम टू टाइम उसके बाद भी बन सकती है। पहली बार ये 1952 में बनी थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आती है। जब भी लोकसभा की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर 15 होते हैं, राज्यसभा के अंदर इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 11 होते हैं। 15 और 11 में इसके रेस्पेक्टिव स्पीकर्स इंक्लूडेड हैं, मतलब कि 15 में लोकसभा के स्पीकर और 11 मेंबर्स में वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन की तरीके से काम करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर, वो इसमें इंक्लूडेड है। इसका फंक्शन क्या है कि ये टाइम निर्धारित करती है, मतलब कि किसी बिल पर या फिर किसी दूसरे बिजनेस पर हमें कब डिस्कस करना चाहिए, कितने देर तक डिस्कस करना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ जो भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो इनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में अभी चर्चा करना चाहिए, तो उसको वो लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि हमें इस पर पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। इनका जो भी डिसीजन होता है वो यूनानिमस होता है, मतलब कि ये माना जाता है कि वो हाउस का कलेक्टिव व्यू है, मतलब इनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता ऐसे। अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस से रिलेटेड है। इसको 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व में।
इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को हम लोग 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर के जैसे ऑब्जर्व करते हैं। इससे हम लोग पीस को मेंटेन करना चाहते हैं, पूरे विश्व में शांति हासिल करना चाहते हैं। इस बार का जो थीम है 2020 का, वो है शेपिंग पीस टुगेदर। सबसे पहली बार इसको 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, और 20 साल बाद 2001 में जनरल असेंबली ने यूनानिमसली इसको इसी दिन को पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर जैसे डिजिग्नेट कर दिया था। उसी दिन से ये हर साल मनाया जाता है। अगला आर्टिकल INS विराट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में जब 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था, तो उसके बाद अब ये अपना आखिरी रास्ता या फिर आखिरी जर्नी ये ट्रैवल कर रहा है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से गुजरात के आलंग जगह तक जा रहा है, जहां पर इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। INS विराट इंडियन नेवी को 30 ईयर्स का सर्विस दे चुका है। ये अपने आप में एक सेकेंड सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके पहले मतलब कि जब 1987 में जब इसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया था, उसके पहले भी ये ब्रिटिश नेवी में HMS हर्म्स नाम से ये इंडक्ट था। वहाँ पर इसने 25 साल तक अपना योगदान दिया था, 1959 से 1984 तक। उसके 3 साल में कुछ मरम्मत करके इन्होंने फिर इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया था, मतलब इंडियन नेवी को दे दिया था। वहाँ पर इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया। इसका मेजर रोल अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके। जैसे कि जब श्रीलंकन पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा था, तो उस टाइम 1989 में ऑपरेशन जुपिटर के अंदर इसने मेजर रोल प्ले किया था। साथ ही साथ जब 2001 और 2002 में इंडियन पार्लियामेंट पर टेरर अटैक हुआ था, तो उसके लिए ऑपरेशन पराक्रम चला था, उसमें भी ये साथ दिया था हमारा। साथ ही साथ बहुत सारे जॉइंट नेवी एक्सरसाइजेस, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हैं जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि USA के साथ एक्सरसाइज मालाबार, फ्रेंच के मतलब फ्रांस के साथ एक्सरसाइज वरुणा, और ओमान के नेवी के साथ नसीम अल बहार। इसके पास गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है कि ये विश्व का सबसे लंबा सर्विंग वॉरशिप है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो एक संस्कृत फेज है, जलमेव यश्य बलमेव तस्य, जिसका मतलब है कि जो भी सी को कंट्रोल करता है वो बहुत पावरफुल होता है। अगला आर्टिकल हमारा फेलुडा से रिलेटेड है। टाटा क्रिस्पर टेस्ट मतलब कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेस्ट। इसके अंदर में ये एक प्रकार का लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। इसको कमर्शियल लॉन्च के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है। फेलुडा का फुल फॉर्म है FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। अब ये कठिन सा नाम है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेलुडा है वो अपने आप में इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ये इससे करते क्या है कि जो भी SARS-CoV-2 का जेनेटिक मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। क्रिस्पर अपने आप में काम कैसे करता है? तो ये हमारा मान लो DNA है, तो DNA के अंदर कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर इंटरवल्स पर रिपीट करते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का एंजाइम यूज़ करता है, जैसे कि क्रिस्पर Cas9 एक एंजाइम था। इसी तरीके से यहाँ पर फेलुडा के अंदर FN-Cas9 यूज़ होता है। ये एक एंजाइम है जो कि सीजर जैसा काम करता है, कैंची जैसा। वो देखता है कि फॉल्टी जीन कहाँ है, उसको ले जाके उतनी दूर काट देता है, और वहीं पर हम लोग हेल्दी जीन से उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि जो भी डिफेक्टेड जीन्स हैं उनको करेक्ट करने का काम इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर में किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल स्कॉच अवार्ड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 10 सूत्र प्रोग्राम को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2003 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है ऐसे लोगों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने अपने नेशन को बिल्ड करने के लिए, एक बेहतर नेशन बनाने के लिए कुछ अपना योगदान दिया हो। ये एक प्रकार का समझो कि इंडिपेंडेंटली इंस्टीट्यूटेड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किसी के लिए भी। 66th स्कॉच 2020 कॉम्पिटिशन जो अभी हुआ था, उसका टाइटल इंडिया रेस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस है। ये जो 10 सूत्र प्रोग्राम जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कौशल हैं। उन्होंने पोलिसिंग के लिए उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए इस COVID-19 के पैंडमिक सिचुएशन के इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे डील करना चाहिए, पुलिस को उनको अपने आप को कैसे बचा के रखना चाहिए, साथ ही साथ बड़े लेवल पर बाकी लोगों को बचाना चाहिए, और साथ ही साथ वायरस को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये 10 नॉर्म्स या फिर 10 सूत्र इन्होंने बनाए थे।
ये इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो भी हमारे कंप्लेंट्स आते हैं इसके लिए, हम उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ डिप्लॉय करेंगे। सभी कंप्लेंट्स केवल और केवल उन्हीं काउंटर्स पर रखी जाएंगी या फिर वहीं पर दर्ज की जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कोविड 19 को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, अपने से दूर रख सकते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला काकाती देवी टेम्पल केरला में है, गलत, आंध्र प्रदेश में था। यहाँ वारंगल हम तेलंगाना वाला देख रहे थे, तेलंगाना में है, सॉरी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 30 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 15 राज्यसभा। नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग बनते हैं, क्योंकि बिजनेस तो दोनों का अलग अलग चलता है ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स। INS विराट एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, नहीं, आप देखो कि ये वॉरफेयर नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर रहा था, गलत, ये भी फॉल्स। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही। स्कॉच अवार्ड जो है वो ऐसे लोगों को सम्मानित करता है जो कि अपने नेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ योगदान देते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।